अभिनंदन भी चाहता है कि वो उस व्यक्ति से अभिनंदित हो जिससे उसकी गरिमा बढ़े। श्री कैलाश जोशी उसी व्यक्ति का नाम है जिसके व्यक्तित्व से स्वयं अभिनंदन अभिनंदित होगा। अभिनंदन आराधना है। समाज जिसके माथे पर अक्षत कुमकुम लगाता है, अभिनंदन उसका होता है। अभिनंदन समाज की अंतर्ध्वनि है, अभिनंदन प्रेरणा है, अभिनंदन प्रकाश है, अभिनंदन अमावस की विदाई है, अभिनंदन दशहरा है, दिवाली है। अभिनंदन न जुगाली न जुगाड़ है, अभिनंदन सत्य की सेवा है, अभिनंदन सत्य का चंदन है, अभिनंदन अतीत के गौरवमय इतिहास का अवलोकन है, अभिनंदन जन जन की ध्वनि है, अभिनंदन बड़ों का आशीष है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रभात झा कहते हैं, अभिनंदन एक संकल्प है। संकल्प में सबका सहयोग होता है और ये अभिनंदन भी सबके सहयोग का पूज्य ग्रंथ है। आधी सदी को शब्दों में समेटना, अतीत वर्तमान व भविष्य को वर्णमाला में पिरोना शेरपा तेंजिंग की एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने जैसा ही साहसिक माना जा सकता है। कम समय में किए गए प्रयास को प्रणाम करना चाहिए। यह कृति नहीं कृतित्व है। इसमें व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व है। इसमें विषय नहीं विचार है और ये जन जन में अवलोकनार्थ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रभात झा अभिनंदन समारोह के बारे में कहते हैं कि अभिनंदन एक शोध है। इस विषय का कि काजल की कोठरी में रहने के बाद भी अगर व्यक्ति काजल से दूर रहे तो ये उस सामान्य व्यक्ति में असामान्य पलों की कहानी है। शब्दकोश में कुछ शब्द होते हैं जैसे सादगी, सरलता, सहानुभूति, संवेदनशीलता, नैतिकता, प्रामाणिकता, सहजता, समरसता। ये सब शब्द हैं। इन शब्दों को यदि आप किसी एक व्यक्ति में देखना चाहें तो उस व्यक्तित्व का नाम है कैलाश जोशी, जिन्होंने राजनीति में पूरी तरह से एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है और जिसको सिर्फ हम नहीं कह रहे, मध्य प्रदेश की राजनीति को अगर कोई 10% भी जानता होगा तो कैलाश जी जोशी के बारे में कहता है कि वह राजनीति का संत है। और यह उपाधि प्राप्त करने के लिए लगभग 60 वर्ष की राजनीतिक यात्रा उन्होंने पार की है। आधी सदी तो वो विधायक रहे हैं और सांसद रहे हैं और इस आधी सदी में फिसलन की इस डगर पर, जहां काजल की कोठरी कहा जाता है, जहां पग पग पर फिसलन होती है, किसी व्यक्ति का डटे रहना, अविचलित रहना निश्चित तौर पर उनकी अडिगता, उनकी अविचलता और उनका ध्येय के प्रति समर्पण, उसको प्रणाम करना किसी भी आने वाली पीढ़ी के लिए एक योग्य कार्य होता है। और इसी दृष्टि से हम लोगों ने सोचा, पूरी पार्टी ने निर्णय लिया है कि ऐसे राजनीतिक संत का आने वाली पीढ़ी के लिए, उनकी प्रेरणा के लिए उनका अभिनंदन। यह सच में व्यक्ति का अभिनंदन नहीं, यह कृतित्व का अभिनंदन है, यह व्यक्तित्व का अभिनंदन है। यह अभिनंदन शब्द को परिभाषित करने वाले व्यक्तित्व का अभिनंदन है, जिससे अभिनंदन को भी लगेगा, उस शब्द को भी लगेगा कि वह स्वयं भी अभिनंदित हो रहा है। ऐसे गरिमामय जीवन का सामाजिक सम्मान, राजनीतिक सम्मान, सांस्कृतिक सम्मान, ऐतिहासिक सम्मान होना अनिवार्य ही होना चाहिए और इस दृष्टि से हम कर्तव्य के रूप में उस कार्य को करते हैं। अपनी राजनीतिक यात्रा के 50 साल पूरे कर चुके श्री कैलाश जोशी का जन्म 14 जुलाई 1929 को देवास जिले के हाट पिपलिया में स्वर्गीय श्री उमाशंकर जी जोशी और स्वर्गीय श्रीमती रमाबाई जोशी के घर हुआ। हाट पिपलिया देवास के एक किसान परिवार में जन्मे श्री कैलाश जोशी ने देवास में शिक्षा प्राप्त की। बाल्यकाल से ही समाज सेवा में रुचि के कारण समाज के दलित, शोषित और भूमिहीन किसानों की दुर्दशा को लेकर चिंतित हो उठे थे। हाट पिपलिया और बागली की कच्ची पगडंडी और खेत की मेड़ पर चलकर राजनीतिक यात्रा प्रारंभ करने वाले कैलाश जोशी को
राजनीति का संत कहा जाता है। उनका स्वभाव और कार्यप्रणाली भी एकदम संत जैसी है। ना उधो का लेना, ना माधो को देना। अपनी सी छवि और जीवन की सरलता के चलते वो प्रगति के सोपान चढ़ते गए, लेकिन अहंकार उनके पास नहीं फटका। 1943 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने। 1955 में जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के दौरान जेल यात्रा करनी पड़ी। 1955 में हाट पिपलिया नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। अपने जीवन की एक घटना याद करते हुए जोशी जी खुद बताते हैं कि एक शिक्षक ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। संगीत के शिक्षक क्षितिज ने जोशी जी की प्रतिमा को बचपन में ही पहचान लिया था। क्षितिज जी ने जोशी जी को पत्र लिखकर कहा था कि तुम्हारे हाथ में प्रदेश का यश लिखा है। उस पत्र के बाद ही जोशी जी में राष्ट्रीय भावना और जनसेवा प्रबल हो गई और उसे ही अपने जीवन का आधार बना लिया। 1955 में जोशी जी नेपाल पैदल यात्रा पर निकल पड़े। हाट पिपलिया से 600 मील नेपाल तक पद यात्रा की और भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन किए। 1956 में जनसंघ से जुड़े। 1962 से 1967 तक विधायक दल के महामंत्री और 1967 से 1971 तक विधायक दल के उपनेता रहे। सत्ता से ज्यादा संगठन को सर्वोपरि मानने वाले जोशी जी ने 1972 से 1977 तक नेता प्रतिपक्ष के रूप में सरकार पर सतत चौकसी की। 1977 में प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। बिजली मंत्री और उद्योग मंत्री की हैसियत से प्रदेश के चहुमुखी विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। पार्टी संगठन के द्वारा जन कल्याण के लिए चलाए गए आंदोलनों में सक्रिय हिस्सा लेते हुए अनेक बार जेल यात्रा की तो मीसा के समय 20 माह तक बंदी बनाए गए। जेल से लौटने के बाद जनता ने उनको सिर आंखों पर बिठाया। अपने मधुर स्वभाव और स्पष्ट वादिता से क्षेत्र के अलावा पार्टी में और दूसरे राजनीतिक दलों में भी उनकी प्रशंसा होती थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तो श्री जोशी जी को अपना गुरु मानते हैं। इसके साथ ही दूसरे राजनीतिक दलों के साथ भी उनके मधुर संबंध रहे हैं। इतना ही नहीं, श्री जोशी को पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेता स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे, राजमाता विजयाराजे सिंधिया, नानाजी जैसे दिग्गजों के स्नेह का अवसर मिला तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी सहित पार्टी के दिग्गजों के साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। कैलाश जी जोशी जिद्दी स्वभाव के हैं और धुनी भी हैं, जो दान लेते हैं पूरा करते हैं। मेरे उनके साथ कई अनुभव हैं। 1962 से लगा करके 62 से लगा करके आज तक के साथ साथ रहे हैं, साथ साथ काम किया है और कई अनुभव हैं। खट्टे मीठे अनुभव तो होते थे, पर मन का दुराव कभी नहीं हुआ। जोशी जी के बचपन के दोस्त दौलत तवर और बज उनकी राजनीतिक यात्रा को याद करते हुए कहते हैं कि 1970 में कैलाश जी ने एक जीप खरीदी और उसका नाम था प्यार किए जा। उस जीप को जोशी जी चलाते और कार्यकर्ता उसमें बैठते। जहां भी पेट्रोल खत्म हो जाता वहां से धक्का मारकर गंतव्य स्थान तक ले जाया जाता। जोशी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हाट पिपलिया उन्हें उसी जीप से लाया गया और क्षेत्र की जनता ने उनका अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने प्रदेश की जनता के नाम संदेश दिया। वस्तुतः श्री कैलाश जोशी सर्वमान्य नेता तथा भारतीय जनता पार्टी के आधार स्तंभों में से एक होने के साथ ही युवा कार्यकर्ताओं के प्रेरणा पुंज हैं।
प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मानते हैं कि कैलाश जोशी जी के सार्वजनिक जीवन में लगभग 60 वर्ष इस बात के साक्षी हैं कि उन्होंने सादगी, सरलता, कर्मठता और अजात शत्रुता को अपनी शक्ति बनाया। कहते हैं राजनीति काजल की कोठरी है, इसमें जो जाता है वो दाग लगे बिना नहीं आता, लेकिन काजल की कोठरी से भी बेदाग निकले हमारे कैलाश जोशी जी, और इसलिए इस अवसर पर उनका हम सब अभिनंदन करते हैं। श्री कैलाश जोशी में कर्मठता कूट कूट कर भरी है। 2001 में राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद दो बार राज्यसभा की कॉमर्स कमेटी में सभापति मनोनीत हुए। श्री कैलाश जोशी की सेवा, समर्पण, संघर्ष, सद्भाव व सादगी का प्रतिफल है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें छत्तीसगढ़ के प्रभारी और अनुशासन समिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया। 2004 में भोपाल लोकसभा क्षेत्र से विजय यात्रा 2009 में भी जारी रही और आज भी वो पूरे उत्साह के साथ पार्टी और जनता से जुड़े हुए हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी राजनीति को सेवा का साधन मानती है और श्री जोशी को देखकर पार्टी की विचारधारा को भी बल मिलता है। मुझे गीता का आधा श्लोक जो है सब प्रेरणा देता रहा। पहले मैं अपने लेटर हेड पर भी उसी को छपाया करता, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करता जा और युद्ध कर। श्री जोशी जी पर ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं कि ये 83 वर्ष पूर्ण है आपने अपने संघर्षी जीवन के, तन मन धन उपकरण रहे हैं सासों के निर्बाध हवन के, जनगण मन ही बिंदु रहे हैं मर्म साधना और मनन के, मन को आपके लुभा ना पाए मृग मारीच किसी कंचन के, इन्हीं स्वरों में लोग सुनेंगे आपके अनुभव जीवन के। संगठन के सामान्य कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक के विभिन्न पदों को सुशोभित करते हुए निरंतर गरिमा बनाए रखी, ऐसे राजनीतिक संत का प्रदेश बीजेपी वंदन वंदन अभिनंदन करती है।